हेलो एवरीवन। तो देख सकते हैं आज हमारे पास है प्रेस्टीज का 4 बर्नर गैस स्टोव। तो इसको हम करने वाले रिपेयर, तो देख सकते हैं इसमें फ्लेम बहुत ही कम आ रही है। जैसे ही हम हाई करते हैं तो इसकी सिम की तरह दिखता है, एंड सिम करते ही गैस स्टोव जो है ऑफ हो जाता है। एंड एक बर्नर देख सकते हैं इसमें आधी वगैरह फ्लेम आ रही है। तो इसको पूरा ठीक करके बताएंगे इसको कैसे रिपेयर होता है। तो फिर वीडियो को पूरा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। एंड रिपेयर करने से पहले जो गैस की पाइपलाइन है उसको ऑफ कर दीजिए गैस को, उसके बाद में गैस स्टोव को उल्टा कर लेना है। उससे पहले हम बर्नर को हटा लेंगे गैस स्टोव के ऊपर से। तो देख सकते हैं बर्नर गर्म है, इसकी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरह से बर्नर को जो है हम गैस स्टोव से हटा देंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये बड़ा वाला बर्नर जो है थोड़ा टाइट हो चुका है। तो प्रेस करके आप निकाल सकते हैं ईजी से। इस तरह से चारों बर्नर जो है हम निकाल लेंगे। तो अब देख सकते हैं जो बर्नर जो होता है उसके साइड में जो काला काला जमा हो चुका है, तो इसको हम फटाफट से क्लीन कर लेते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से या चाकू की मदद से। स्क्रैच करके आप इसको क्लीन कर पाएंगे इजी से। एंड अब गैस स्टोव को कर लेते हैं उल्टा। तो सबसे पहले देख सकते हैं हम पाइपलाइन के जो 4 नट होते हैं जहाँ पे ये अटैच होते हैं, जो पाइप्स होते हैं जो बर्नर के नीचे वाले भाग में, उसको निकाल जो स्क्रू है ओपन कर लेंगे। उसके बाद में ये जो नॉब्स है उसको भी हटा देंगे, यानी कि पाइपलाइन पूरी हम खोल देंगे। एंड आप देख सकते हैं जहाँ पे नॉब प्रेस करते हैं उसके नीचे जो थोड़ा थोड़ा कचरा जमा हुआ है, सबसे पहले हम उसको फटाफट से जो है क्लीन कर देंगे, ताकि जो डस्ट है वो नॉब के जो हम नोजल वगैरह निकालेंगे उसके अंदर ना घुसे। तो हम क्लीन कर लेंगे। उसके बाद में इसको कपड़े से भी साफ़ कर लेंगे। उसके बाद में स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसके साइड में एक नॉब के जो नोजल है उसमें दो दो स्क्रू है, तो सभी स्क्रू को हम फटाफट से निकाल लेंगे। एंड वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो आप इस स्टोव की मदद से आप पूरा जो है जो स्टोव आपका ख़राब हो चुका है तो उसको बड़े इजी से आप घर पे ठीक कर सकते हैं। कोई मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस वीडियो की मदद से आप पूरा जो आपका स्टोव है उसमें फ्लेम कम आ रही है वो सभी ठीक कर सकते हैं बड़े आराम से। एंड आपका स्टोव भी बड़े आसानी से क्लीन कर सकते हैं इसको। तो देख सकते हैं ये इसके नीचे एल्युमिनियम की जो पाइप मैं जैसे कि खींच रहा हूँ, वो इसने खींचने से कुछ टूटने वगैरह की संभावना नहीं रहती है। धीरे से आप इसको जस्ट खींचिए, ये बेंड हो जाएगी बड़े आसानी से और बाहर निकल जाएगी। तो देख सकते हैं इसको इस तरह से कर लीजिए तो ये बाहर आ जाएगी। बड़े थोड़े आराम से कीजिए, कुछ होने वाला नहीं इसको। एंड दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो धीरे से कीजिएगा पाइप को इस तरह से। एंड आप देख सकते हैं मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ वैसा कीजिए। तो हमने पाइप तो सभी निकाल दी नोजल से, अभी यहाँ पे मेरे शायद एक स्क्रू ओपन नहीं हुआ है, हम खोलना जो है भूल गए थे। जहाँ पे हम नॉब डालते हैं वहाँ पे एक स्क्रू अभी भी लगा हुआ है। अभी हम इसको स्क्रू को खोल देंगे। एंड अगर आपका पाइप जो ऊपर की तरफ देख सकते हैं, अगर इस टाइप का पाइप नहीं, अगर आपका नीचे की तरफ पाइप होता है तो आप ऊपर से भी नोजल को खोल के रिपेयर कर सकते हैं थोड़ा वीडियो को स्टेप करके। तो ये नट जो है हम खोल देते हैं। एंड आप देख सकते हैं बड़े आसानी से जो है ये नोजल वगैरह पूरा बाहर आ चुका है। तब सभी को कपड़े से क्लीन कर लेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, एक नॉब एक नोजल में प्रेस करके इसको देख सकते हैं नट, आप देख सकते हैं एक छोटा सा आप स्क्रू ड्राइवर लेके, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर आप जिसको टेस्टर भी बोल सकते हैं, टेस्टर की मदद से ये खोल लीजिए नट। एंड ध्यान रखिए नट स्प्रिंग वगैरह बिल्कुल संभाल के रखिए जब भी खोलते हैं। एक बॉल में आप ये सभी स्पेयर पार्ट्स रख लीजिए ताकि कोई मिस वगैरह ना हो। तो इस तरह की स्प्रिंग होती है, जैसा वीडियो में दिख रहा है एग्जिट आप वैसा ही कीजिए।
तो हमने स्प्रिंग को साइड में रख दिया एंड अब नोजल को ओपन कर लेंगे। अंदर का जब देख सकते हैं, इसके ऊपर देख सकते हैं बहुत सारा कचरा जमा हुआ है, यानी कि जो ग्रेस होता है एकदम ब्लैक ब्लैक हो चुका है। एंड इसमें दो साइड हॉल होते हैं, वो भी इसमें कचरा जम चुका है। तो क्या होती है ना कि फ्लेम जो है वहाँ पर एयर पास जो गैस होती है वो पास नहीं हो पाती, उसकी वजह से जो फ्लेम है वो बहुत कम आती है। एंड जब हम इसको सिम में करते हैं तो ऑफ हो जाती है, ये मेन कारण होता है। तो हम इस टेस्टर की मदद से पीछे वाले भाग के थोड़ा क्लीन कर लेंगे। एंड देन अब क्या करेंगे, ऊपर वाले भाग भी हम थोड़ा स्क्रू ड्राइवर घुसा के, इसके ऊपर आपको स्क्रैच वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड एक मेरे पास पतला सा पिन है, वो आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, छोटा सा पतला सा वायर है। एंड आप देख सकते हैं ये हॉल में कितना कचरा जमा हुआ था, तो इस कचरे की वजह से ही जो है फ्लेम ठीक से नहीं आ पाती है। ये इसको हम नॉर्मली सर्विस कहते हैं, जो गैस स्टोव जो भी इसमें दिक्कत आती है मेन इसी की दिक्कत रहती है। एंड आप देख सकते हैं ये जो हॉल है इसमें हम सिम करते हैं तो यहाँ से गैस आती है, जब हम हाई करते हैं तो जो पहले वाला कचरा हुआ था जब हाई करते हैं तो हाई में तो हम अपनी जो फ्लेम है बड़े आसानी से आ जाती है, क्योंकि हाई में बहुत बड़ा हॉल होता है एंड सिम में एकदम पतला सुई जितना हॉल होता है। तो इसको आप बड़े आसानी से क्लीन कर लीजिए। देख सकते हैं इसी तरह से क्लीन कर लीजिए। आप कपड़ा है जो कॉटन का भी ले सकते हैं एंड अपनी जो फटी पुरानी बनियान जो होती है वाइट कलर की वो भी ले सकते हैं, तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपके गैस के अंदर जो है कितना ब्लॉकेज था जो वाइट कलर है लेंगे तब। एंड अब जो कपड़ा होता है उसके अंदर डाल के स्क्रू ड्राइवर बिल्कुल सेंटर में डालना है ताकि साइड में कोई स्क्रैच ना हो, बड़े ध्यान से करना है। स्क्रैच होने से होता कुछ नहीं है कि साइड से थोड़ी लीकेज होने की संभावना रहती है, बिकॉज़ क्योंकि अगर कहीं लीकेज हो जाता है तो आपको क्या करना है, जो हमने जो नोजल क्लीन किया था उसके ऊपर जो है साइड में थोड़ा ग्रेस डाल देते हैं तो वो नोजल भर जाता है। एंड अब आप देख सकते हैं हम जेट को ओपन कर लें 8 नंबर स्पॉनर से, सभी का जेट जो है 8, 7, 9 तीन साइज़ का आता है इसमें, जैसा कुछ साइज नहीं आती है। आप कटिंग प्लेस पे भी ओपन कर सकते हैं लेकिन ऊपर वाले भाग को पकड़ के कीजिए क्योंकि कभी कभी जेट बहुत टाइट होता है। अगर हम गैस स्टोव को सर्विस करने के बाद जेट भी ओपन करके क्लीन कर देते हैं फिर भी अगर फ्लेम ठीक से नहीं आ रही है, यानी कि रेड रेड फ्लेम आ रही है, बर्तन को काला कर रही है, तो आप एक बार जेट को जो है चेंज कर लीजिए तो एकदम बेटर रहेगा। क्योंकि ये जो छोटा वाला बर्नर होता है उसमें हमारे को 58 नंबर का जेट लगता है एंड जो मीडियम वाला जो बर्नर होता है उसको 77 नंबर का जेट लगता है। अभी मेरे पास जो 4 बर्नर है इसमें छोटे में 58 और बड़े में 77 का जेट लगता है एंड सबसे जुम्बो उसमें 105 का भी लगता है और 85 का भी लगता है। तो देख सकते हैं वापस इसमें फूक मार के हम क्लीन करके वापस इसको जेट को जो है बिठा देते हैं। मेरे हिसाब से जेट एकदम बहुत क्लीन हो चुका है एंड हम इसको टाइट कर लेंगे धीरे से, ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ज़्यादा टाइट करने की कोशिश करेंगे तो जेट टूट सकता है तो पूरा पाइप सिस्टम बिगड़ जाएगा। एडम नॉब को थोड़ा नॉब जहाँ पे डाला है इसको क्लीन कर लेंगे। ये जो नोजल है उसके ऊपर आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं या ग्रेस भी लगा सकते हैं। कोकोनट ऑयल लगाए तो बहुत ही बेहतर होगा बिकॉज एकदम स्मूथनेस से आपका जो नॉब है टर्न हो पाएगा। ग्रेस से भी एकदम इजी से होता है बट ग्रेस धीरे धीरे अंदर चला के ब्लॉक हो जाता है, इसलिए ग्रेस बिल्कुल कम यूज़ कीजिए। ग्रेस या कोकोनट ऑयल दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने ग्रेस डाला है वहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इधर ग्रेस डाला है, दूसरे नॉब पे हम कोकोनट ऑयल डाल के भी बताएंगे आपको। यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने कोकोनट ऑयल ऑलरेडी साइड में ले रखा है, इसको वापस थोड़ा क्लीन करके हमने कोकोनट ऑयल लगाया है। कोई भी कोकोनट ऑयल आप ले सकते हैं
तो इस तरह से वापस इसमें स्प्रिंग डाल के, पहले नोजल डाल दिया, स्प्रिंग डाल दिया, अब ये नोजल डाल दिया। एंड जो उसका होल रहता है स्क्रू टाइट करना, वो ऊपर की तरफ रखना है। एंड देख सकते हैं इस तरह से स्क्रू को ऊपर रख दीजिए या अंगुली से जितना घूमता है घुमा लीजिए। एंड अब टेस्टर की मदद से टाइट करना है इसको। एंड अगर आपका गैस स्टोव जो होता है, कभी कभी नया भी आप परचेज करते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती रहती है। बिकॉज़ क्या होता है ना कि जब आप गैस स्टोव को ठीक से नॉब जो है प्रेस करके ऑन नहीं करते, क्या होता है ना ऐसे ही टर्न कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे स्क्रू जो है ओपन हो जाता है। तो इसको प्रेस करके ही कभी भी गैस स्टोव को ऑन करना है, थोड़ा प्रेस कर लीजिए उसके बाद ऑन करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से स्क्रू, आप इस वीडियो की मदद से आप स्क्रू भी इस तरह से आप घर पे ही जो है टाइट कर सकते हैं, किसी भी मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती होगी। तो आप देख सकते हैं अब दूसरा गैस स्टोव भी इसी तरह से ओपन करना है। एंड ये भी आप कंप्लीट देख लीजिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा प्रोसेस कि कैसे करना है। तो देख सकते हैं हमने नट को ओपन कर लिया जो कि ब्रास का है। अब हम नॉब को बाहर ले लेंगे, स्प्रिंग को ले लेंगे साइड में, एंड थोड़ा कपड़े से क्लीन कर देंगे। एंड अब नोजल को लिखा लेंगे, एंड नोजल के ऊपर देख सकते हैं थोड़ा ब्लैक ब्लैक यानी कि गंदा जो है काला हो चुका है, उसको कपड़े से क्लीन कर देंगे। कपड़ा आप देख सकते हैं बहुत ही गंदा तरीके से हो चुका है, उसको अंदर से भी जो जेट सॉरी नोजल को क्लीन कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप इसको भी सर्विस करते हैं नोजल को, उसके बाद में जेट को भी आप क्लीन कर देते हो, फिर भी अगर फ्लेम नहीं आती है यानी कि सिम में ऑफ हो जाती है वगैरह कुछ दिक्कत है, तो आप मेरे हिसाब से जेट को ही चेंज करना बेहतर होगा। जेट के ऊपर एक्चुअली नंबर होते हैं, छोटा वाला जो जेट होता है उसके ऊपर 58, बड़ा वाला जो जेट होता है उसके ऊपर 78, और जुम्बो होता है उसके ऊपर 105 या 85 कुछ होता है। वो सभी ब्रांड में अलग अलग टाइप के होते हैं। इस वीडियो की मदद से आप अपना प्रेस्टीज, पिजन, प्रीति एंड बटरफ्लाई, ऐसे बहुत सारे ब्रांड के स्टोव आप ठीक कर सकते हैं, जैसे कि सन फ्लेम है, बजाज है, इस वीडियो की मदद से आप ठीक कर सकते हैं। इसमें आप 3 बर्नर का भी इस वीडियो की मदद से ठीक कर सकते हैं, 2 बर्नर का भी कर सकते हैं। प्रोसेस सभी का सेम ही रहता है, जस्ट डिजाइन सभी का अलग अलग रहता है। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे पकड़ा उस तरह, अगर आप कटिंग प्लेट से पकड़ेंगे तो और बेटर होगा। तो इस तरह के इसको ओपन कर लीजिए झट को। देख सकते हैं हमने जो जेट को है ओपन कर लिया है। अब जेट देख सकते हैं जेट के साइड में कुछ कचरा लगा हुआ है, एंड अब इसको जेट में एक पतले से तार की से क्लीन कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से, ताकि इसका जो हॉल है वो अच्छे से क्लीन हो पाएगा। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं हम। तो वीडियो को थोड़ा हमने 2 स्पीड के रूप में बढ़ा दिया है ताकि आपका भी टाइम सेव हो, लेकिन फिर भी वीडियो बहुत ही बड़ा हो चुका है। तो वीडियो को प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरा देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो देख सकते हैं जैसा कर रहा हूँ वैसा कर लीजिए, साफ साफ वीडियो में कैसा दिख रहा है। इस तरह से क्लीन करके अच्छे से आप करेंगे तो आपका गैस स्टोव आई होप ज़रूर ठीक होगा।
देख सकते हैं नोजल के ऊपर आप इस तरह से ऑयल लगा के, नोजल को अंदर डाल के, पहले स्प्रिंग उसके बाद में नॉब एक साथ डाल के जो है नट को टाइट कर लेना है, जैसे फर्स्ट नॉब में किया था वैसा ही फटाफट से।
तो देख सकते हैं ये जेट काफ़ी गंदा सूखा है, यानी कि मेरे हिसाब से ये जेट जो है एकदम ब्लॉकेज उसका है, इसमें से मेरे हिसाब से बिल्कुल भी एयर जो है नहीं निकल रही है। तो इसमें मैंने कपड़े से क्लीन कर दिया है एंड अभी पिन से इसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो पिन तो है घुस भी नहीं रही है, यानी कि बहुत ही पूरा ब्लॉकेज हो चुका है, बड़ी मुश्किल से थोड़ी घुसी है। अब देख सकते हैं पिन भी जो है बेंड हो चुकी है, वायर जो इसके हैं एंड इसमें बड़े आसानी से नहीं घुस रही है। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही ब्लॉकेज था ये जेट। तो इस तरह से जेट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चेंज करना ही बेटर है। ये ऐसे ही गैस स्टोव जो रिपेयर करते हैं उसके शॉप पे बड़े आसानी से मिल जाएंगे, जो जेट के ऊपर नंबर लिखे होंगे उसकी वही नंबर आप बोल दीजिए तो वो आपको बड़े आसानी से जो ये जेट है दे देंगे। ठीक है दोस्तों, या फिर आप इसको अच्छे से क्लीन करके जैसे मैं कर रहा हूँ अच्छे से क्लीन करके अंदर से पूरा क्लीन करके आप जो है वापस टाइट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने इसको क्लीन कर दिया है, जो अब जो छेद को है तो टाइट कर देंगे। अगर अब हम इसको टाइट वापस जोड़ के अगर हम जोड़ के फिर ऑन करेंगे, अगर फ्लेम ठीक से नहीं आई तो हम इसको सिर्फ ओनली फॉर इसमें करेंगे कि ओनली फॉर जेड चेंज करेंगे और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम आएगी उसी की आएगी। क्योंकि मैंने इधर से जो अच्छे से क्लीन जो है क्लीनिंग जो सर्विस है वो कर दिया है, मुझे थोड़ा जेट में डाउट है, उसी की वजह से सिम में कभी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वापस नॉब को निकाल दिया है एंड अप करेंगे इसको वापस जैसा था वैसा। तो देख सकते हैं मैंने वापस इसको इस तरह से जो है अंदर की तरफ प्रेस कर दिया है एंड जैसा स्क्रू पहले फिटिंग था वैसे कर देते हैं। एंड आप देख सकते हैं जो पाइप थे उसको आप खींच के इस तरह से जो है वापस जहाँ पे नोजल ये ट्रिपॉड बोल सकते हैं इसमें हम वापस डाल देंगे एंड स्क्रू जो है टाइट कर लेंगे। तो पहले देख सकते हैं मैं इधर से स्क्रू जो है टाइट कर लूँगा पहले एंड बाद में वहाँ पे जेट के स्क्रू है टाइट करेंगे, जो बर्नर सेट है उसमें बाद में करेंगे, इसमें पहले फटाफट से जो है स्क्रू जो है टाइट कर लेंगे। तब बर्नर सेट के जो स्क्रू है वो टाइट कर लेंगे। सारा स्क्रू जो है फटाफट से टाइट कर लेंगे। ये थोड़ा पाइप जो है सॉफ्ट होता है लेकिन धीरे धीरे इसको हम इसमें बर्नर सेट में एक्चुअली फंसा तो लिया है, लेकिन थोड़ा क्ली कटिंग प्लेट की मदद से हम इसको पकड़ के स्क्रू को टाइट कर लेंगे।
जब जब इसको बाहर निकालते हैं तो थोड़े सही तरह से, अगर नहीं निकालते तो वो थोड़ा बेंड हो जाता है, तो इसको कटिंग प्लेट की मदद से सही भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ठीक नहीं होगा, इसको बड़े आसानी से हम बेंड करके वापस ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई, इसमें टूटने वाली कोई बात नहीं, ये नोजल वगैरह जो है, ये पाइप वगैरह जो नहीं टूटेंगे। तो इस तरह से जो है सभी स्क्रू हमने टाइट कर दिए हैं। एंड पीछे का कचरा आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। गैस स्टोव काफ़ी गंदा सूखा है, यानी कि ऑलमोस्ट 7 ईयर्स पुराना स्टोव है, इसको हम सर्विस कर रहे हैं। तो देख सकते हैं फाइनली हमने गैस स्टोव को सीधा कर लिया है, एंड नॉब को है लगा देते हैं। एंड हम बर्नर जो है साइड में थोड़ा कचरा वगैरह है उसको क्लीन कर लेते हैं। एंड बर्नर के हॉल जो ब्रैकेट है, एक आप देख सकते हैं छोटा वाला बर्नर, जब हमने स्टार्टिंग में ऑन किया तो आधा फ्लेम आ रहा था आधा नहीं आ रहा था, उसको हॉल करके मैंने थोड़ा तो क्लीन कर लिया है। एंड थोड़ा एक दो हॉल शायद बाकी है, वो कर देंगे, आपको बता देंगे। तो इस तरह से हमने क्लीन जो है साइड में कर लिया है। तो फूक मार के जो है बर्नर सेट को क्लीन कर लेंगे। एंड अब बर्नर में जो भी कचरा रहेगा उसको हॉल जो है खाना पकाते समय जो हमारा फूड है वो बर्नर के ऊपर गिर जाता है या मिल्क वगैरह, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, उसके हॉल में घुस जाता है तो वो ब्लॉकेज हो जाता है। तो क्या होता है ना, जब गैस स्टोव को ऑन करते हैं तो फ्लेम आधा अधूरा आता है, कोई हॉल जो है नहीं जलता है, कोई हॉल जल जाता है, तो जो ब्लॉकेज होते हैं वो नहीं जलते हैं, जो क्लियर होते हैं वो जल जाते हैं, जिससे फ्लेम आ जाती है और आपका खाना बन जाता है। तो जो ब्लॉकेज है वो उसको इस वीडियो की मदद से आप इस तरह से क्लीन करके जो है बर्नर को क्लीन कर सकते हैं। एंड देख सकते हैं हमने जो बर्नर है लगा दिया है। एंड अब ऑन करेंगे स्टोव को, गैस स्टोव को हम जो है गैस पाइप को ऑन कर देते हैं। एंड अब मैच बॉक्स की मदद से हम इसको ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा स्टोव एकदम कंप्लीट रेडी हो चुका है। ये थर्ड फ्लेम, ये फोर्थ फ्लेम, तो देख सकते हैं बहुत ही बड़ी एंड बढ़िया फ्लेम आ रही थी। एंड पिछले वाला वीडियो देख लीजिए तो कैसी फ्लेम आ रही थी स्टार्टिंग में, एंड अब कैसी आ रही है बिफोर आफ्टर, एकदम कंप्लीट तरीके से ये ठीक हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देख सकते हैं इस तरह से जो है आप अपना स्टोव है रिपेयर कर सकते हैं, तो एकदम ब्लू फ्लेम आ रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।